गाइस मेरे पापा ना एकदम घमासान जंगल में काम करते हैं, मतलब यहाँ पर शेर चीते रहते हैं। वो पता नहीं आज कहाँ गए। वो डेली बोलते हैं कि वो किसी खतरनाक खोज में है, जिससे कि मैं एक दिन बहुत खतरनाक पावरफुल एलिमेंटल गॉड बन जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे को मिल गया, फाइनली मिल गया। एक मिनट गाइस, मेरे पापा जी क्या लेकर आए मेरे लिए? पापा जी ये आपके पीछे क्या है? ये तो कोई मुझे जादुई मशीन लग रही है। बिल्कुल सही कहा, पिछले 35 सालों से मैंने यहाँ पर अपनी खोज जारी रखी थी। आज फाइनली मुझे यहाँ पर एक एलिमेंटल पावर वाला अंडा और एक ट्रेडमिल मिल चुका है। लेकिन पापा जी इससे होगा क्या? इससे तू अपना साइज बढ़ाएगा और जायंट एलिमेंटल गॉड बन जाएगा। मेरे बच्चे तुझे एक काम करना होगा, जल्दी से यहाँ पर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करा दे, उसके बाद तू अंडा फोड़ पाएगा। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, फिर काम हो जाएगा। अरे वाह अंकल जी, कमाल कर दिया आपने तो। और 35 सालों की खोज आपकी सफल निकली। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी शुक्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए ही तो है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इस बुड्ढे का काम हो चुका है। इसकी वैसे भी जिंदगी 1-2 दिन की है, मैंने पूरी कर दी। चलो अब अपना साइज बढ़ाता हूँ। पापा जी उठिए, ये क्या कह रहे हैं मेरे पापा? मेरे पापा जी के साथ गाइस जल्दी लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। वो एलिमेंटल अंडा और साथ साथ में वो सब मेरे लिए था। मेरे पापा ने मेरे लिए इतनी मेहनत की। पहले पापा खुद के लिए करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई, उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटे को एलिमेंटल गॉड बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक अच्छी राह पे चलाएंगे। लेकिन गाइस ये क्या करना चाह रहा है? ओए ये गनी यहाँ पर संडे को फोड़ सकती है। मैंने अंडा फोड़ दिया, इसका सारा जादू एलिमेंटल सीरम निकल जाएगा। मुझे जल्दी अपनी एज बढ़ा लेनी चाहिए और साइज भी। क्या इससे साइज और एज बढ़ा? अरे वहां पर गाइस, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। साइज 6000 90000 4 करोड़ तक। ओह माय गॉड, इसका साइज कितना बढ़ेगा? मुझे तो ये भी आइडिया नहीं है। ओए जल्दी बढ़ जा। ओए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ओए होए 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 होए, ओए मैं तो यहाँ पे व्हाइट एलिमेंटल हल्क बन गया। ओए बुड्ढे देख, ओ लगता है बुड्ढा निकल लिया। मैं तो जल्दी छोड़ूंगा नहीं, मेरे पापा की रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहा है ये। ओए जल्दी चलता हूँ। ओए किसी और ने यहाँ पर गलती से भी पैर रखा, पैर काट दूंगा, पहले बोल रहा हूँ। ओए मेरा साइज बहुत जल्दी बढ़ेगा। ओए बड़ा 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 और स्पीड में बढ़ा। ओए 90000 होने वाला हूँ। ओए क्या बात है, ओए मैं तो यहाँ पर सन एलिमेंटल हल्क गया। अरे बाप रे गाइस, ये सन एलिमेंटल हल्क बन गया और मासूम लोगों को मार रहा है। ओए मजा आ गया, अब यहाँ पर जरा ट्रेडमिल भी तो ट्राई कर लो। क्या ये तो गाइस एलिमेंटल अंडे की सारी पावर ले लिया और अब ये ट्रेडमिल से भाग रहा है। ओए भागो 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 और पूरी स्पीड में भागो 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 भागो, और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा बड़ा होने से। अरे गाइस मैं इसको रोकूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं अपना साइज इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा और अपने पापा जी का बदला लूंगा। ओए और स्पीड में भागो। ओए भागो 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 भागो। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, मैं तो यहाँ पर मून एलिमेंटल हल्क बन गया। गाइस ये मून एलिमेंटल गॉड हल्क बन चुका है, इसका साइज 4 करोड़ हो गया और इसने दोनों शक्तियां यूज कर डाली जो मेरे पापा ने, मेरे फादर ने मेरे लिए ढूंढी थी। लेकिन फिर भी गाइस मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, क्या पता मेरा साइज बढ़ ही जाए। जल्दी जाता हूँ। एक मिनट, मेरे फादर को छोड़। बुड्ढे को खा जाता हूँ, भूख लग गया। ये क्या कर दिया तूने? कम से कम मेरे 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 पिताजी को मेरे पास तो रहने देता। बहुत हो गया, मैं भी अपना साइज बढ़ाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गाइस कमेंट में जल्दी ब्लू हल्क कॉपी लिखो, प्लीज हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। कमॉन कमॉन, तू कर सकता है बेबी, तुझे तुझे अपने पापा की कसम, तुझे आगे बढ़ना होगा। कमॉन 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 कमॉन। वाह गाइस मैं तो यहाँ पर आइस एलिमेंटल हल्क बन चुका हूँ, देखिए मुझे क्या बात है। देखा दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, मुझे यहाँ पर अभी और ज्यादा बढ़ना है। इतनी आसानी से नहीं, 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 नहीं मार रहा है मुझे। रुक जा और बर्बाद कर दूंगा तुझे, जैसे तेरे बाप को खाया तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बाप रे दोस्तों, वो मुझे बिल्कुल अपने पास नहीं आने देगा। मैं वादा करता हूँ मून एलिमेंटल हल्क, मैं वापस लौटूंगा अपने फादर का बदला लेने, इस दुनिया को तुझसे बचाने। चलो बड़ा इंतजार है मुझे। गाइस फिलहाल हमें चलना होगा, फिलहाल मुझे अपना साइज बढ़ाना होगा, मुझे और भी ज्यादा तगड़ा एलिमेंटल गॉड बनने के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिखाने होंगे। अरे बाप रे मैं क्या करूँ, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर क्या हो गया? एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंटल शक्ति वाला एग है मेरे बच्चे, और असल में वो गोल्डन तरह का है और वो चोरी हो चुका है, जिसके भी हाथ लगाए
कहीं वो दुनिया को तबाह ना कर दे। पहले आप मुझे दिखाएंगे वो चोरी कहाँ से हुआ है, जिससे कि मैं पता कर सकूँ कि असल में वो गया कहाँ पर है। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर तुझे मेरे स्टॉक मेंशन में चलना पड़ेगा। ओ तो सर कहाँ से हुआ था? वो एग्जैक्टली राइट प्लेस में मैंने उसको रख रखा था। ओ माय गॉड, वो क्या हो गया सर? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मुझे देखना पड़ेगा। अरे गाइस, तो क्या यहाँ पर अंडा रखा हुआ था? बिल्कुल, मैंने सेफ तरीके से अंडा यहीं रखा हुआ था। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके अंडे को बचा के रहूंगा। बिल्कुल बच्चे, प्लीज गाइस, कहीं इन सूटों में कोई गड़बड़ तो नहीं है, मुझे चेक करना होगा। एक मिनट गाइस, ये क्या चीज है? ओ माय गॉड, अरे भाई ये क्या है? अरे मेरे हिसाब से ये कोई खुफिया रास्ता है बच्चे, यहाँ पर जरूर कोई चोर है जिसने गुफा में अंदर जाकर मेरा अंडा चुराया है। बिल्कुल सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके अंडे को वापस ला कर रहूंगा। एक मिनट दोस्तों, मैं तो और भी अंदर जाता हुआ जा रहा हूँ, वैसा कौन सा एलिमेंटल? अरे बाप रे, ये क्या चीज है यार? है ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे बच्चा, ये कहाँ पर आ गया? गाइस जरूर चोर इसी रास्ते से आए होंगे और टोनी सर का वो एलिमेंटल पावर वाला स्पेशल अंडा ले गए होंगे। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? अरे बहुत ही स्पेशल अंडा है। अरे गाइस, टोनी सर सही कह रहे थे, ये एग तो एकदम गोल्डन है। गलती से भी अंडे को जमीन पर मत रखना वरना पूरी दुनिया तबाह कर देगा। ओ तभी टोनी सर ने इसको सेफ तरीके से वहां रख रखा था, और इन लोगों ने भी इसको किसी मशीन में रख रखा है, लेकिन ये लोग हैं कौन? अरे बाप रे, ये तो रेड रिवन जनरल का है। समझे मेरी बात, बड़ी मुश्किल में चुरा कर लाया हूं मैं इसको, बताओ कितना पैसा मिलोगे? ओ माय गॉड, यहां पर तो जायंट एलिमेंटल हल्क की फौज है, फौज लिटरली में, इतनी बड़ी आर्मी, इतना ज्यादा बड़ा सेटअप किया था टोनी सर के अंडे बचाने के लिए। बहुत हो गया दोस्तों, मैं संडे को अभी के अभी टोनी सर के पास लेकर जा रहा हूं, इससे पहले कि बुरे हाथों लगे। मैं यहां पर इसको टोनी सर को वापस करूंगा। अरे बाप रे, मैं नहीं चाहता दुनिया का कोई और हल्क जो बुरा हो वो यहां पर पावरफुल बने, वरना मेरे फादर जैसे लोगों को मारेगा। गाइस बहुत हो गया, मेरे पास एक आईडिया है, मुझ में आग लग रही है, पर मैं एक आइस एलिमेंटल हल्क हूं, मैं अपनी पूरी बॉडी को बर्फ से जमा लूंगा, जिससे कि वो आग अगर मुझ में लगेगी तो मैं ज्यादा नहीं पिघलूंगा, मैं इतना ज्यादा हार्ड कर लूंगा अपनी बॉडी को कि आग के बस की नहीं होगा मुझे पिघलाना। वाह, देखिए गाइस, मैं पूरा इस समय बर्फ में जम चुका हूं, वो भी क्रिस्टल वाली बर्फ। ऑलराइट गाइस, मुझे उम्मीद है ये जो खतरनाक आग वाली लेजर्स हैं हार्म नहीं करेंगी। वाह, ये मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रही है। गाइस अब मुझे इस गोल्डन को ले जाना होगा, मैं इसको एक काम करता हूं, इस बॉक्स के साथ ही लेकर चलता हूं। वाह, अरे वाह बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। मेरी बात सुन मेरे बच्चे, इससे पहले कि इस खतरनाक एलिमेंटल पावर वाले अंडे को कोई और इस्तेमाल करे, तू कर ले, तू एक अच्छाई और सच्चाई से भरा हुआ मुझे आइस एलिमेंट हक लगता है। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। वाह गाइस, टोनी सर ने अंडा मुझे दे दिया। बिल्कुल बच्चे, ये किसी ना किसी के पास तो जाना ही था, और ये तेरे लिए बना था, जा जाकर बदला ले अपने दुश्मनों से। बिल्कुल, मैं अपने पापा का बदला जरूर लूंगा। वाह गाइस, देखिए ये एलिमेंटल एग तो मेरे साइज को बढ़ा रहा है। बिल्कुल मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी अपना साइज बढ़ा। ओके गाइस, मैं यहां पर ग्रीन पॉइजन एलिमेंटल हल्क बन गया, मतलब अब मेरे अंदर पॉइजन की पावर आ गई है, मतलब मैं जिसको चाहूं पूरी तरह से अपने जहर से मार सकता हूं। लेकिन गाइस ये पावर्स यूज कैसे होती हैं? चलो इसको ट्राई कर देखते हैं। वाह, मैंने देखिए गाइस यहां पर पॉइजन वाली बारिश करवा दी है, मतलब यहां पर मेरे दुश्मन इससे बचने नहीं वाले हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ध्यान से यूज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी पावर से किसी भी मासूम को हार्म हो या उसकी जान जाए। चलो गाइस जल्दी चलते हैं और उस एलिमेंटल मूलर को ढूंढते हैं, उससे हम बदला। एक मिनट, ये क्या? मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया। अंकल जी क्या हो गया, आप इतने रो क्यों रहे? अरे एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर मेरी बीवी बच्चों सबको उठा ले गया। प्लीज बच्चे, यहाँ पर उनको वापस ले, मैं बदले में तुझे ये ट्रेडमिल दूंगा जिससे तेरा साइज बढ़ जाए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे जहाँ भी होंगे मैं उनको ढूंढ कर रहूंगा। गाइस जल्दी चलते हैं। एक मिनट, ये अरे भाई ये कोई मॉन्स्टर नहीं है गाइस, ये तो सन गॉड है। मर रहे हैं ये और हंस रहा हूं मैं। अरे गाइस ये कितना बुरा है, सन गॉड। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? चुप करो, तेरा बुड्ढा जब तक मुझे यहाँ पर वो ट्रेडमिल नहीं देता तुम चलते रहोगे। गाइस देखिए ये बेचारा छोटा सा बच्चा और ये उसकी बेटी। ओ माय गॉड, अरे दद्दू बचा। अरे बाप रे, मुझे मारा। तू कौन है, निकल यहाँ से। वो तो गया गाइस, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये शायद जानता नहीं है मैं एक पॉइजन एलिमेंटल हल्क हूं, मैं यहाँ पर इसकी पूरी वेन्स में जहर ही जहर भर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं उसके बच्चों को भी बचा लूंगा। वो बेचारा अंकल, अरे नहीं काका, ये तो जहर की बारिश है, मुझे पॉइजन से एलर्जी है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं वापस आऊंगा, मुझे जाना होगा वरना मैं पूरा भस्म हो जाऊंगा।
जाऊंगा। वाह, मैंने सन गॉड को फाइनल भगा दिया। अरे वाह, आप कितने अच्छे अंकल हैं। ये कौन है तू बेटा? मेरा नाम ग्रीन एलिमेंटल हल्क है, वैसे आप मुझे पॉइजन हल्क भी बोल सकते हैं। आइए मैं आपको आपके दद्दू के पास, मतलब आपकी फैमिली के पास लेकर चलता हूँ। बिल्कुल जल्दी चलो। अरे वाह, दद्दू ने आपको भेजा क्या? बिल्कुल। मेरे बच्चे कहाँ पर चले गए? ये लीजिए, मैं आपकी फैमिली को बचा लाया। वाह, तू मेरी फैमिली को बचा कर लेकर आया बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर इसको ट्रेडमिल दे दीजिए। फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पर ये ट्रेडमिल ले लिया है। मैं तो सोच रहा था कि दद्दू के बीवी बच्चे होंगे, लेकिन ये तो दद्दू की बेटी और उनका छोटा पोता निकला। खैर कोई नहीं, यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना साइज बढ़ाता हूँ। भागो 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 भागो। वाह क्या बात है गाइस, यहाँ पर देखिए मैं कितना बड़ा जायंट फायर रिवेंजर हल्क निकला। गाइस मैं फायर एलिमेंटल से बना हुआ जायंट हल्क बन चुका हूँ, मतलब अब मेरे अंदर आग की शक्ति आ चुकी है। दोस्तों अब तो वो जायंट मून एलिमेंटल हल्क बचने नहीं वाला है। मैं बेशक उससे छोटा हूँ, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी आता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है तुझसे यहाँ पर? मरोगे तुम, जल्दी मुझे यहाँ पर अपने घर के कागज दो। अब मैं यहाँ का गॉड हूँ, तुम सभी की जिंदगी मेरे कब्जे में है। ये क्या चल रहा है गाइस? मेरे पापा को बचाओ, ये मेरे पापा को मार ले। नहीं दूंगा, ये मेरे बच्चों का हक है, मेरे बच्चों का घर, मेरा घर, गॉड तो ये तू। अरे पापा जी प्लीज, आप इनको घर दे दो, लेकिन आप जिंदा बच जाओ। गाइस एक और मासूम बच्चे की फैमिली को उजाड़ रहा है ये जायंट मून एलिमेंटल हल्क। बहुत हो गया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे ये कौन कीड़ा बोल रहा है? गाइस इसके मुंह के अंदर एक जायंट बनाने वाला ट्रेडमिल है। ये जरूर वही ट्रेडमिल है जो मेरे फादर ने मेरे लिए ढूंढा था। मुझे बचाइए, मेरे फादर की आखिरी निशानी मैं लेकर रहूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलना चाह रहा है? आजा तो लड़ दे, ये तो क्या कर रहा हूँ मैं इनके साथ। नहीं छोड़ दे मुझे, मेरा छोटा बच्चा है। पापा जी मैं भी मर जाऊंगा आपके छाछे। ओ नो गाइस, मुझे इस परिवार को बचाना होगा। प्लीज मुझे ताकत दो, कमेंट में जल्दी फायर एलिमेंटल हल्को पी लिखो या फिर हल्को पी लिख दो। गाइस आप वीडियो लाइक करो। मेरी तो हालत खराब कर दी इसने। बिल्कुल सही कहा, तू जो मरने ही आया है मेरे पास। मैं मरने नहीं आया हूँ, तुझे मारने आया हूँ। अरे बाप ले, तुझे नहीं मरना है, मुझे मेरे पापा के साथ लेना है। देख इसकी लड़का कैसे मर रहा है। नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे सामने एक और परिवार उजड़ रहा है। मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया था, क्या मैं इनको भी नहीं बचा पाऊंगा? नहीं मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जीते जी ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बहुत हो गया, मैं एक फायर एलिमेंटल को मैं इतनी गर्मी फैलाऊंगा कि तेरी चांद की ठंडक पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं मेरी आंखों में तूने क्या कर दिया? अरे बाप रे गर्मी हो रही है बहुत, मान जा। नहीं मानूंगा ये ले। अरे बाप रे मार दिया मुझे, मैं वापस आऊंगा। एक मिनट गाइस, वो ट्रेडमिल कहाँ गया? ए, वो ट्रेडमिल मुझे ढूंढना होगा। ट्रेडमिल दे वरना तुझे खत्म कर दूंगा मैं। गाइस एक मिनट, शायद ट्रेडमिल यहीं कहीं गिर गया है, मुझे उसको बस ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, उधर साइड जा देता हूँ। एक मिनट, ये रहा गाइस ट्रेडमिल, वो अभी भी गिरी रहा है आसमान से। अरे वाह गाइस, ये मेरे फादर की निशानी है। गाइस अगर आपको मेरे फादर की भी याद आती है तो कमेंट में आई मिस यू फादर जरूर लिखना। दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपना साइज बढ़ाऊंगा। भागो 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 भागो, पूरी स्पीड में भागो 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 भागो। गाइस मेरा साइज जल्दी 5 करोड़ होने वाला है। मेरे फादर की आत्मा को अब शांति मिलेगी, वो बहुत खुश होंगे। कम ऑन। वाह गाइस फाइनली मैं यहाँ पर जायंट रेड एंड व्हाइट मून एंड सन एलिमेंटल हल्क बन चुका हूँ, वो भी 5 करोड़ साल का। बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।